सहारनपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा जनपद में अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्र अधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह द्वारा गठित टीम द्वारा थाना मड़ी जनपद सहारनपुर में वांछित चल रहे अभियुक्त CRPC की प्रक्रिया के बाद तुर्की की कार्यवाही भी की तथा अभियुक्त पर राज्य सरकार द्वारा 20,000 रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था। अभियुक्त के मक्षन बिहारा लखेना थाना नया गांव जनपद बेगूसराय बिहार से गिरफ्तार किया गया। उपरोक्त जानकारी आज पत्रकार वार्ता के दौरान SP सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने दी। जी हां, ये 2018 से वांछित चल रहा था चंद्रशेखर, एक फर्जीवाड़े के मुकदमे में। ये एक संगठित गैंग था जो दूसरे लोगों को पतंजलि आयुर्वेद की फ्रेंचाइजी दिलाने का प्रलोभन देता था, उनसे पैसे ऑनलाइन ट्रांसफ़र करा देता था। तो उसी जब विवेचना चल रही 2018 में, तो ये सब 5 लोग थे जो वांछित चल रहे थे। इन पर 82-83 की कार्रवाई हो चुकी थी और अभी ये मंडी पुलिस बेगूसराय से इनको गिरफ्तारी करके यहाँ पे लाई है और अब इनको कोर्ट भेजा जा रहा है। कितना इनाम इनके ऊपर था? इन पर 20,000 रुपये का इनाम हुआ है। क्या कुछ आरोप है इनका, पूरा क्या मामला है? जी हाँ, जैसे मैंने बताया, ये गिरोह चला रहे थे। ये बोलते थे लोगों से, प्रलोभन देते थे उनको ऑनलाइन माध्यम से, दूरभाष के माध्यम से, कि हम आपको एक पतंजलि आयुर्वेद की फ्रेंचाइज दिला देंगे, फिर आप भी आगे कस्टमर जोड़िएगा और उसमें आपको प्रॉफिट होगा, आपस में बांटिएगा। इसी प्रलोभन देने के लिए लोग कॉल करते थे। इस गैंग ने क्या किया था कि एक जो इसमें वादी था उससे 3,00,000 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफ़र करा लिए थे और जब बाद में उसको पता चला कि इस तरह का ये कोई एजेंसी नहीं चला रहे हैं, सब फर्जीवाड़ा है, तो वह मुकदमा लिखा गया, उसमें विवेचना हुई और इनके नाम प्रकाश में आए थे। इसकी भी जानकारी की जा रही है। वादी सिर्फ एक ही था जो आया था, इसके बारे में जानकारी करते हैं गैंग कब से सक्रिय है और कितने लोगों के साथ इसने और ठगी करी है। जी नहीं, ये 2018 में ही ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिया गया था, तो अभी तो ये सब लोग खा पी चुके हैं इसका सब। हाँ, सर कितने लोगों का ये गैंग है जिससे इन लोगों से बचा जा सके, और लोगों के लिए क्या मैसेज है? जी हाँ, जैसे साइबर अवेयरनेस का कैंपेन चल रहा है, आप लोगों जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं मीडिया बंधु के माध्यम से, मैं आपको बता दूँ कि कोई भी अगर आपको इस तरह का प्रलोभन देता है कि आपको किसी तरह का बिज़नेस आइडिया देता है जिसमें आपको लगता है कि ये बिज़नेस आइडिया ठीक नहीं है या उसमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा आपको होने वाला है, तो आप समझ जाएंगे वो फ़ायदे के लिए नहीं, आपके नुकसान के लिए बात चल रही है। और स्पेशली किसी को भी फ़ोन पर आपको इतना करीब नहीं मान लेना चाहिए कि आप उसको 3,00,000 रुपये या 4,00,000 रुपये, इतनी बड़ी रकम आप उसको ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दें। देखते रहिए DB भारती समाचार, नज़र हर खबर।